Good morning, students. Today we will learn a new lesson. The name of the lesson is A Midsummer Night's Dream. A Midsummer Night's Dream. That is lesson 9. We are going to learn new lesson, lesson number 9. This story or this drama, it's a big a drama. It is written by William Shakespeare. You might have heard about him. आप लोग सुने होंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में. आप आए कोई पढ़े भी, लेकिन ये लेसन एक कॉमेडी है. बहुत साल पहले लिखा गया है. 1595 टू 1596 में दिस ड्रामा वॉज रिटन बाई शेक्सपियर. दैट मीन्स 400 to 500 ईयर्स बिफोर इट इज रिटन. बट स्टिल फिर भी हम लोग ये सब ड्रामा, उसका बहुत सारे ड्रामे हैं, वो सब हम लोग पढ़ते हैं. विशेषकर हम लोग जब बड़ा क्लास में 11, 12 ग्रेजुएशन के समय सब ये सब ड्रामास हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग इंग्लिश लिटर चले गए. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस मिडसमर नाइट्स ड्रीम. नाउ शेक्सपियर हैज रिटन लॉट ऑफ ड्रामास लाइक एज यू लाइक इट. Number first one, you know, A Midsummer Night's Dream, as we are going to learn. Then As You Like It, Othello, Romeo and Juliet. Then Midsummer Night's Dream, now we are going to learn. But there are many dramas which he has written, but we are going to learn only about this. That also, these four, about this five acts drama it is. But we are going to learn only 8 act. There are 5 acts in this drama, but we are going to learn 1 act. We are going to learn our whole act. Maybe बहुत कुछ बहुत काम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. So for our study, I am written here. For our study, we have the plot of the quarrel between the king and the queen of fairies. हमारा theme here, theme है marriage. Of King Theseus and Hippolyta. The theme of this lesson, this drama, it is marriage of King Theseus and Hippolyta. But for our study, ये पूरा drama हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन for our study we have this small plot. That's act 4 में एक plot है. ये quarrel between the king and the queen of fairies. They are King Oberon and Queen Titania. Their names are Oberon and Titania. So as हम लोग आगे बढ़ेंगे, कौन है Oberon and Titania? Titania परियों की खूबसूरत रानी थी. परी आप लोग हमारे यहाँ बोलते हैं, what is the परी? परी means fairy. तो हम लोग नहीं देख सकते हैं परी को, लेकिन परियां हमें हमको देखते हैं. So, ये ड्रामा का सेटिंग कहाँ पे हुआ है? लाइक वी आर वी व्हेन वी राइट अ ड्रामा वी कीप द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. लेकिन ये ड्रामा का कॉन्टेक्स्ट कहाँ है? एथेंस इन ग्रीस. हम लोग बोलते हैं ग्रीक भाषा है. जैसे ग्रीक भाषा कहाँ हम लोग यूज करते हैं? ग्रीस. तो एथेंस इन ग्रीस, ये छोटा सा जगह है एथेंस. ग्रीस देश का एक छोटा सा जगह है एथेंस. And it is a fantasy fiction. Fiction means and it is a comedy story. We know that हम लोग जब सिनेमा देखते हैं, हम लोग बोलते हैं ये कॉमेडी है, ये ट्रेजेडी है. What is comedy? Comedy means the story which will end in happiness. खुशी के साथ उसका अंत होता है, उसको हम लोग कॉमेडी कहते हैं. और ये दिस ड्रामा ऑल्सो इज ए कॉमेडी. ये ड्रामा भी कॉमेडी. देन नाउ हम लोग देखेंगे ये ड्रामा के बीच में अभी जो हम लोग का प्लॉट जो हम लोग को पढ़ना है, कितना कितना कैरेक्टर्स है. वो आर द कैरेक्टर्स ऑफ दिस ड्रामा. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कौन है? टाइटानिया एंड ओबरन. वो कौन है? टाइटानिया एंड ओबरन द किंग एंड द क्वीन ऑफ फेयर्स. दे आर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स है.
King and Queen Titania and Oberon. Then we have Peace Blossom, Cobweb, then Mustard Seed. These are their attendants. हम लोग होते हैं जब एक क्वीन किंग एंड क्वीन है तो उनको सेवा करने के लिए है ना, हम लोग के दास दासियाँ हम लोग कहते हैं, ये सब इन लोगों का अटेंडेंट्स है. देन एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है पक, दैट इज ऑबरेंस फेरी. वो उसका स्पेशल अटेंडेंट है पक. इसका ऑबरेंस का पर्सनल हम लोग बोलते हैं ना, पर्सनल सेक्रेटरी है वो, पीए करते हैं हम लोग कोई कोई, लेकिन उसी तरह ऑबरेंस का फेरी अटेंडेंट का पक. और सबसे इम्पोर्टेंट एक कैरेक्टर है बॉटम, इसे क्लाउन हम लोग देखते हैं. हम लोग जब सर्कस सब देखने जाते हैं तो हम लोग क्लाउन को देखते हैं, उसी तरह बॉटम भी एक क्लाउन. एंड दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ आर ड्रामा दैट इज मिडसमर नाइट्स ड्रीम. हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं ये लेसन का कैरेक्टर्स है और ये पार्ट का जो ड्रामा है इसका कैरेक्टर. नाउ हम लोग एक एक करके थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहते हैं. यू दिस समरी ऑफ दिस लेसन ए बिट. नाउ सबसे पहले एक पद कौन था ऑबरेंस का अटेंडेंट बनाने में, लेकिन ये बहुत शरारती बनी थी. कौन? ये ओबरन का पद अटेंडेंट पक. वो कौन था? वो शरारती था. मीन्स बी से नो नॉटी और लेदर बी से, सो दैट टाइप था. तो वो उसका इंटरेस्ट क्या था, रुचि क्या था? मनुष्यों पर चार चलाने में वो प्रसन्न होता. ही वॉज वेरी हैप्पी टू प्ले ट्रिक ऑन अदर्स ह्यूमन बींग्स. नो ट्रिक ऑन ह्यूमन बींग्स लाइक putting this that on the people. So he used to play with the people and make them like we say, no, we made the mullu like that. He used to play who this but and bottom usse mein bahut happy aur anand lete the. Jo kaam wo apne karte the dusron ke upar, lekin wo bahut anand lete the usse. कारण जब हम लोग भी वैसे करते हैं दूसरों को, हम लोग पीछे पीछे हम लोग कुछ करते हैं या उल्लू बनाते हैं तो हम लोग को दुख नहीं लगता है. क्या लगता है हम लोग को? हम लोग बहुत खुश है, हाँ हमारी उसको उल्लू बनाया बोल करके हम लोग वैसे करते हैं. उसी तरह ये पक भी वैसे करते थे दूसरों के ऊपर, बहुत चाल उसका काम वही था, उस तरह का चलता था. न ये ड्रामा ये ड्रामा के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बनना चाहते हैं, ये क्या प्रॉब्लम से ये लुक शुरू किया है. ओबरन के पास ओबरन और कौन थे? टाइटन. ये दोनों पति पत्नी थे, परियों के राजा और रानी. अब उन लोग क्या किया है, उन लोग दोनों थोड़ा सा झगड़ा किया या फाइट किया. कारण क्या था? उसका कारण था एक बच्चा. वो इंडियन बच्चा था, वो कैंटीन बॉय करते थे. उसको क्या किया ये ओबरन ने, टाइटेनियम चाहती थी वो अपने पास रहे, लेकिन ओबरन क्या चाहते थे? वो अपने पास रखने के लिए चाहते थे. इसीलिए दोनों के बीच में क्या हुआ? एक झगड़ा हुआ. तो ओबरन क्या चाहते थे? वो जैसे भी किसी कीमत से भी मैं ये बच्चा को मेरे पास रखा. इसीलिए उन लोग एक प्लान बना रहे. कौन कौन? ओबरन और ये पक दोनों मिलकर के प्लान बनाकर किसके ऊपर खेलने जा रहे थे? टाइटानिया के ऊपर. उन्होंने क्या किया, ये ओबरन ने पक को कहाँ भेज दिया? बाहर भेज करके या फॉरेस्ट में भेज करके एक फ्लावर या फूल का रस लेके आने उसको कहा. क्या लाने बोले हैं? एक फूल का रस, क्यूपिड फ्लावर कहते हैं इसको, क्यूपिड फ्लावर का जूस. वो जूस लेके आते हैं. कौन लेके आते हैं? पक, उसका अटेंडेंट था, वो लेके आते हैं. और क्या किया, क्या करने जा रहे थे? ये टाइटानिया के आँख में डालना चाहते थे. क्यों? ये बात यही था, जब ये क्यूपिड फ्लावर का जूस आँख में लगाते हैं तब क्या होगा? जब वो सोते समय हम लोग डाल सकते हैं, है कि नहीं? हम लोग जब ये मतलब हम लोग खड़े रहते थे, कोई आकर के हमारा आँख में जूस डाल सकते हैं? नहीं. जब वो सोते हैं तो हम लोग डालते हैं. तो उसी तरह इन लोग प्लान किया, जब टाइटेनियम सो
जाएगी तो उसके आप में क्या डालेंगे, क्यूपिड फ्लावर का जूस डालेंगे। जब वो उठेगी या उठती है तो क्या होगा, जो आदमी को पहले देखेंगे वो उसको प्यार करने लगेंगे बहुत। हाँ, उसी तरह उन लोग प्लान किया और उसने किया एक काम, किसने किया, पख जूस लेके आया जब टाइटेनिया सोई थी और उसका आँख में डाली। जब उठी तब टाइटेनिया नींद से उठी, किसको सबसे पहले देखा, बॉटम जो क्लाउन था उसको देखा, आप उसको प्यार करने लगा, माने उसके ऊपर बहुत शी वॉज एम्ब्रेसिंग माने गले लगा करके उसको बहुत प्यार दिखाते हैं। जैसे अपने बच्चों को हम लोग गले लगाते हैं ना, बच्चे लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को हम लोग प्यार दिखाते हैं, उसी तरह ये टाइटेनिया ने किसने करने लगा, बॉटम को गले लगाने लगा। चुपड़ से ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन बॉटम कौन थे, एक क्लाउन थी। ये देख करके ओबरन एंड पक क्या कर रहे हैं, लोग मजा उठा रहे थे किसके ऊपर, टाइटेनिया के ऊपर। सो देन आवर क्लास मूव्स ऑन विद दिस। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस लेसन, हाउ दिस ड्रामा कम्स इन टू बिकॉज ऑफ दिस ओबरन एंड टाइटेनिया के फाइट के बाद क्या होने वाला है, या उसके आँख में लोग जूस लगाने के बाद क्या ये टाइटेनिया करने जा रही है, वो लेसन में हमारा है। ओके, वही है हमारा लेसन। तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, हाउ दे मेक द मिस्टेक विच दे मेड, तो हाउ शी ही पोर्ड द जूस इन द राइस एंड आफ्टर दैट अगेन दे हैव टू पोर बैक अनदर वन जूस सो दैट शी विल स्टॉप डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड एट द एंड, अंत में क्या हुआ, अंत में ओबरन को टाइटेनिया क्या किया है, वो बच्चा जो था वो उसको वापस दिया और उन लोगों का झगड़ा खत्म हो गया। इतना ही सारांश, ये समरी ऑफ दिस लेसन एंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस लेसन। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड द लेसन एंड आई गिव सम एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन नंबर 9, A Midsummer Night Dreams. In the Act 4, Scene 1, we see the actors Titania, the Queen of Fairies, and Bottom, and all the attendants of this Queen Titania together enters the scene. And now Titania, the Queen, speaks to Bottom, "Come, sit thee down upon this flowery bed, while I thy amiable cheeks do coy, and stick musk roses in thy sleek smooth head, and kiss thy fair large ears, my gentle joy." Here she speaks and asks, उसको बुलाते हैं, उसको pet जो bottom है उसको बुला करके अपने पास बैठाती है और बोलती है दैट आई वॉन्ट टू लव यू, आई वॉन्ट टू कर्स यू, उसको प्यार करना चाहते हैं, उसका चीक या गला को किस गला में किस देना चाहती है, और स्मूथली शी वॉन्ट टू कैरस हिज फेस एंड ईयर्स। सो आगे बढ़ते हम देखेंगे, नाउ बॉटम हु इज हर पेट, who is Titania's pet, thinks that he is a big boss now and he has got many attendants, and he calls on his attendants one by one, ek ek karke bula karke ek ek jan ko ek ek kaam dete hain, aur sabse pehle bolte hain mera chehra mein ya scratch karne ke liye, to uske baad kya kya wo bolte hain hum log dekhenge। स्क्रैच करने के बाद बोलते हैं, मैं तो टाइटेनिया उसको पूछते हैं अब क्या खाना चाहती है, तो उसका अटेंडेंट्स है पीस ब्लोजम, देन अनदर वन है, दूसरा एक है वो भी उसके पास खड़े हैं
जो कमेंट या जो हुक्म बॉटम देते हैं वो सुनने के लिए ही उन लोग वहां खड़े हैं। तो मस्टर्ड सीड है, ये सब उसका अटेंडेंट्स है। तो टाइटेनियम बॉटम से बहुत प्यार से, विद सो मच लव, बहुत प्यार से वो पूछती है, उससे स्वीट लव व्हाट दाउ डिजायर टू ईट, स्वीट लव व्हाट, क्या आप खाने के लिए चाहते हैं? तो बॉटम ने क्या बताते हैं, ट्रूली सच में एक आई पैक ऑफ प्रोवेंडर आई कुड मंच योर गुड ड्राई ओट्स। क्या चाहती है वो खाने के लिए, ओट्स चाहती है, ड्राई ओट्स। मे थिंग्स आई हैव ग्रेट डिजायर टू फॉर ए बॉटल ऑफ हे, क्या चाहती है, पुआल चाहती है, मीठा पुआल, गुड हे स्वीट हे हथमीनो फेलो। देन आई हैव ए वेंचरस फेरी दैट शैल सीक द स्क्विरल्स हेड फेच मी दी नाउ नट्स। उसको एक ये सब चाहते है, वो क्या चाहते हैं, ओट्स चाहते हैं, पुआल स्वीट पुआल चाहते हैं, नट्स चाहते हैं, इसी तरह बहुत सारे चीजें वो चाहते हैं। कौन, बॉटम। बॉटम अभी आप अपने आप को बहुत बड़ा समझ करके दूसरों को हुक्म देना शुरू किया है। तो टाइटानिया और बॉटम, टाइटानिया उसको बहुत प्यार से उसको गले लगाते हैं और बॉटम सोचते हैं अपने आप को बहुत बड़े समझ करके उसका अटेंडेंस को हुक्म देते हैं। आई हैड रादर हैव ए हैंडफुल ऑफ टू और ड्राइड पीस, और दूसरा एक चीज वो चाहते हैं हैंडफुल ऑफ ड्राइड पीस वो चाहते हैं खाने के लिए। कारण वो क्या है, उसको एक एस है, उसका हेड आस का जैसा हेड है। देन टाइटानिया उसके अंत में वो क्या कहना चाहते हैं, बॉटम ने बोला अभी मेरे को नींद आ रहा है या स्लीप, ही वॉन्ट्स टू स्लीप, और दूसरा कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। उसी तरह हुक्म देने शुरू किया है किसने, बॉटम ने। तो बॉटम बोला, देन उसके बाद टाइटानिया जो बहुत प्यार से बोले, स्लीप दाओ, स्लीप स्लीप दाओ एंड आई विल वाइंड दी इन माई आर्म्स, क्या करती है, स्लीप दाओ एंड आई विल वाइंड दी इन माई आर्म्स, फेरीज बी गॉन एंड बी ऑल वेज अवे, डू डथ सो डथ द विंड वुड बाइंड द स्वीट हनी सकल एंड रिंग्स द बार्की फिंगर्स ऑफ द एल्म, ओ हाउ आई लव दी, हाउ आई डॉट ऑन दी। हियर वी सी द लव विथ विच टाइटानिया स्पीक्स अबाउट बॉटम, हाउ हर लव फॉर हिम वॉज एक्सप्रेस्ड इन दीज वर्ड्स, ये सब शब्दों से वो अपना प्यार बताते हैं या प्यार दिखाते हैं जो बॉटम के बारे में, बॉटम को इतना प्यार करती है। कारण ये क्या है, क्यों वो उतना प्यार करती है, कारण उसके आंख में क्या डाले थे, पहले उसके आंख में लव्स ज्यूस डाले हैं, इसीलिए वो वेरी ऑब्सेस्ड, शी इज ऑब्सेस्ड विथ बॉटम। नाउ वी सी दिस द नेक्स्ट सीन, हु एंटर्स, नाउ दे ऑल गो टू स्लीप, हु द फेरी, फेरी बॉटम, बॉटम ऑफ कोर्स नॉट फेरी, टाइटानिया द क्वीन ऑफ फेरीज, द अटेंडेंट्स एंड बॉटम गोज टू स्लीप। नाउ कम्स द पक, द अटेंडेंट ऑफ किंग ओबरन, एंड ओबरन द किंग कम्स टू द सीन। अभी कौन कौन आ रहे हैं, पक एंड ओबरन सी हमारे सीन पर आ रहे हैं। तो बोलती हैं, बोलते हैं, वेलकम गुड रॉबिन, वेलकम गुड रॉबिन मीन्स गुड रॉबिन, आपका यहाँ आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। हर डॉट स्वीट दाउ स्वीएस्ट अगेन, सो शी इज टेलिंग वेलकम गुड रॉबिन, वेलकम गुड रॉबिन, सी दाउ दिस स्वीट साइट, कैन यू सी दिस स्वीट साइट, कैन यू सी दिस स्वीट साइट। Her dotage now I do begin to pity, for
meeting her of late behind the wood, seeking sweet favors for this hateful fool. Now these four lines, let me talk. Welcome good Robin, आपका स्वागत है good Robin. आप देखते हैं इस साइट को, ये दृश्य आप देखे हैं. क्या दृश्य है? टाइटानिया अपने पेट बॉटम को पकड़ करके सो रहे हैं. इस साइट आप देखिए. फोर, मीटिंग हर ऑफ लेट बिहाइंड द वुड सीकिंग स्वीट फेवर्स फॉर दिस हेटफुल फूल. तो अभी बोलते हैं ये बॉटम के बारे में, ये हेटफुल फूल हुम आई हेट सो मच. किसको? क्यों? टाइटानिया उसको बहुत प्यार करती है, इसलिए वो ओबरन उसे बहुत नाराज है. तो आई सीकिंग स्वीट फेवर्स फॉर दिस हेटफुल फूल. आई डिड अपग्रेड हर एंड फॉल आउट विथ हर. हाँ, मैंने उसको उसके साथ झगड़ा किया और उसके साथ मैं अभी बातचीत भी नहीं करते हैं. दे आर फॉलन आउट ऑफ लव फॉर शी हिस हेयरी टेम्पल्स देन हैड राउंडेड विथ कॉरोनेट ऑफ फ्रेश एंड फ्रेग्रेंट फ्लावर्स. क्या किस कैसे उसको सजाया है, बॉटम को कैसे सजाया है विथ फ्रेश फ्लावर्स, ताजा फ्लावर्स से उसको एक मुकुट बना करके उसको पहनाया है. किसने? टाइटानिया ने. एंड वॉन्ट एंड दैट सेम ड्यू विच समटाइम्स ऑन द बर्ड्स. नाउ विथ कॉरोनेट ऑफ फ्रेश एंड फ्रेग्रेंट फ्लावर्स, स्मेलिंग फ्लावर्स, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स एंड दैट सेम ड्यू which sometimes on the buds was wont to smell like round and orient pearls, like pearls. That flowers looks like maybe buds, but it looks like pearls. Stood now within the pretty flowers' eyes, like tears that did their own disgrace befail. When I had at my pleasure taunted her, now he is speaking. How he treated Titania, how he treated Titania. उसके पीछे वो टॉन्ट किया, वो ताना मारा, क्या के लिए? वो बच्चा को, बच्चा ओबरन चाहते थे वो बच्चा उसको मिले, लेकिन टाइटानिया उससे पार्ट करना नहीं चाहती, उसको देने नहीं चाहती है. एंड नाउ इसके इसी के लिए, इसके कारण ओबरन ने क्या किया? ओबरन ने टाइटानिया को ताना मारने शुरू किया. और अक्री में या अंत में उसने क्या किया? टाइटानिया उससे सॉरी मांग करके, जब ओबरन ने वो बच्चा को मांगे तो रेडली एंड विलिंगली उसने बच्चा को दे दिया. आई रीड दिस वर्ड्स वंस अगेन. वेलकम गुड रॉबिन, सीज दाउ दिस स्वीट साइट, हर डॉटेज नाउ आई डू बिगिन टू पिटी. For meeting her of late behind the wood, seeking sweet favors for this hateful fool, for she his hairy temples then had rounded with coronet of fresh and fragrant flowers, and that same dew which sometimes on the buds was wont so swell like round and orient pearls. Stood now within the pretty flower's eyes, like tears that did their own disgrace bewail. When I had at my pleasure taunted her, and she in mild terms begged my patience, I then did ask of her jangling child, which straight she gave me, and her fairy said, to bear him to my bower in fairy land. To now, I have the boy. I will undo this hateful imperfection of her eyes. And gentle Puck, take this transformed scalp from off the head of this Athenian swain, that he, waking when the other do, may all to Athens back again repair, and think no more of the night's accidents, but as the fierce vexation of a dream,
but first I will release the fairy queen. Now here we see अभी हम लोग देखेंगे Oberon, the king of fairies, speaks about Titania. Now he feels pity for her, sad for her, for what he has done. उसके पीछे बहुत ताना मारते थे, उसको टोंट करते थे. अभी उसको क्या मिला है? उसको बच्चा मिला है, इसलिए वो बहुत अभी उसको पछता रहे है. जो काम उसने उसके ऊपर किया है उसके लिए वो पछतार है. तो वो अपने अटेंडेंट पक जो बहुत शरारती थी थे उसको बुला करके जो गलती उन लोग किया है, जो जो रस या जूस उसका आंख में दिया है, अभी उसको क्या करना है? उसका उसको रिपेयर करना है. उसको बोलते हैं अभी हम लोग जो किए हैं उसको रिपेयर करना है. That is the meaning of this lesson, these lines. So, squeezing a herb on Titania's eyes. Now, what they do? दूसरा एक herb, जो एक flower का juice लाते हैं. दूसरा जो पहले जो लगाए थे नहीं, लेकिन दूसरा ला करके जो squeeze करके उसका आँख में वो रस डालते हैं. कौन? पक. किसके आंख में डालते हैं? टाइटानिया जो सोई हुई थी उसके आंख में डालते हैं. तब क्या होगा? जब वे उठेगी तब जो हुआ है सब कुछ वो भूल जाएगी. जो कैसे बॉटम के पीछे वो चलती थी, उसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब ये रस उसका आंख में डालते हैं तब सब कुछ वो भूल जाएगी. नाउ टाइटानिया स्टार्टिंग अप. देखिए अभी हम लोग देखेंगे स्क्वीजिंग अ हर्ब ऑन टाइटानियास आईज. बी एज दाउ वोंट बी, सी एज दाउ वास्ट एंड वोंट टू सी. डायनास बड ओवर क्यूपिड्स फ्लावर हैज सच फोर्स एंड ब्लेस्ड पावर. सो फॉर पोरिंग दैट हर्ब और दैट जूस ऑन हर आईज ही सेज Now you will not be what you were. Now you will. I have poured. What he has poured? Yes. Diana's butt over Cupid's flower. Now Titania slowly she gets up. Who gets up? Titania now slowly gets up to see. Titania, my Oberon, what visions have I seen? Me thought I was enamored of an ass. तो उसका पति जो किंग है उसे पूछते हैं, माय Oberon, मेरा Oberon, क्या क्या स्वप्न मैं देखी थी, मैं कैसे एक आस को प्यार करते थे. उसी तरह वो पूछने लगी Oberon, देयर लाइज योर लव. Oberon उसको बोलते हैं, हाँ वहाँ पड़ा हुआ है तुम्हारा प्यार. टाइटानिया को बताते हैं वहाँ पड़ा हुआ है तुम्हारा प्यार. Oberon, टाइटानिया, हाउ कम दीज थिंग्स टू पास? ओ हाउ माई नाइस डोथ Loathe this visage now. Now, Titania feels how could she love that ass? So she is saying how could? Now Oberon, silence avail, silence, silence avail. Robin, take off his head. तो पक को बोला Oberon ने कहा पक उसका head remove his head take off this head. Titania music. तो टाइटानिया को बोला अभी म्यूजिक लगाएंगे. कारण क्या है? उन लोग फिर एक हो गए हैं, किंग एंड द क्वीन. अभी उन लोगों के बीच में झगड़ा नहीं है, उन लोग एक हो गए हैं, खुश है. इसलिए उन लोग क्या करने जा रहे हैं? म्यूजिक लगाने जा रहे हैं. साइलेंस अ वाइल, रॉबिन टेक ऑफ दिस हेड. टाइटानिया म्यूजिक कॉल एंड स्ट्राइक मोर हेड मोर डेड than common sleep of all these five the sense. Music, ho music, such as chamath sleep. So, अभी क्या है? हम लोग म्यूजिक लगा रहे हैं, अभी क्या होने वाला है देखेंगे. Now, puck to bottom, removing the ass's head. अभी bottom का जो head था वो निकाल दिए है किसने? Puck ने. Now, Oberon, now, Sound music, come my queen, take hands with me,
एंड रॉक द ग्राउंड वेयर ऑन दी स्लीपर्स बी. तो बोले हैं किसको बुलाते हैं साथ में, ओबरन अपनी क्वीन यार अपनी रानी को एक साथ बुलाते हैं. हाथ पकड़ करके दोनों नाचने लगते हैं कारण म्यूजिक चालू है. दे डांस. नाउ दाउ एंड आई आर इन अमिटी, वी आर एट पीस, वी आर लविंग ईच अदर, अमिटी पीस. एंड विल टुमोरो मिडनाइट सोलमली, टुमोरो क्या होगा, रात मिडनाइट माने आधी रात में हम लोग क्या करेंगे, टुमोरो कल हम लोग नाचेंगे. क्या है, हम लोग नाच करेंगे थीसियस आर हिप्पोलिटा का शादी में हम लोग नाचेंगे और उसको उन लोगों को आशीष देंगे कारण उन लोगों का शादी शुदा जीवन अच्छा से होने के लिए हम लोग उन लोगों को ब्लेस करेंगे उसको और उसका मैरिज बेड हम आशीर्वाद करेंगे. सो द लाइन्स आई विल रीड वंस अगेन. नाउ thou and I are new in amity and will tomorrow midnight solemnly dance in Duke Theseus' house triumphantly and bless it all fair prosperity. There shall the pair's faithful lovers be wedded with Theseus all in jollity. Fairy king, attend and mark, I do hear the morning lark. That is Puck. Now that what Oberon says. Then my queen in silence sad, trip we after night's shade. We the globe can compass soon, swifter than the wandering moon. The last four lines also I will read. Come my lord. Now the last part is done by Titania. The last four lines किसके बारे में है, Titania बताती है. कम माई लॉर्ड, वो आपका लॉर्ड है, नाद है. तो बोलते कम माई लॉर्ड एंड इन आ फाइट टेल मी हाउ इट केम दिस नाइट. सो मेरे मुझे बताइए क्या हुआ है. दैट आई स्लीपिंग हियर फाउंड विथ दीज मॉटल्स ऑन द ग्राउंड. सो उसको अपना पति को पूछते हैं क्या क्या हुआ है नाइट, जो उसके जीवन में क्या हुआ है मुझे बताइए.